हे एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दबाव। इस चैप्टर का हमने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, काफ़ी डिमांड आ रही थी इस वीडियो की, तो हमने पहला पार्ट बहुत ही अच्छे से नोट्स अंडरलाइन किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए थे और हमने फिगर्स भी रखे थे उस पार्ट में, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा पार्ट है उसी चैप्टर का, सेम चैप्टर का। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था फोर्स क्या होता है, फोर्स कब कम लगता है, फोर्स कब ज़्यादा लगता है। दूसरे पार्ट में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यार कि हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। हमने ऊपर जो भी पढ़ा था वो आप पार्ट 1 में पढ़ सकते हो। यहां से हमें स्टार्ट करना है। इन जनरल आमतौर पे मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। आमतौर पर एक से ज्यादा फोर्स किसी एक चीज पर काम कर सकते हैं। हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। लेकिन उस ऑब्जेक्ट पर कौन से फोर्स का फर्क पड़ेगा, जो फोर्स ज्यादा होगा। नेट फोर्स का क्या मतलब होता है, अगर तुम्हारा दोस्त कोई गाड़ी आगे से ढकेल रहा है और तुम किसी गाड़ी को पीछे से ढकेल रहे हो, तो जिसका ताकत ज्यादा होगा उसी की तरफ गाड़ी मूव कर जाएगी, इसी को कहते हैं नेट फोर्स। समझ गए, आगे चलते हैं। 11.4 अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम बल को लगाएं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को चेंज किया जा सकता है, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो हम उसे मोशन में ला सकते हैं, अगर मोशन में है तो और भी तेज जा सकता है, अगर मोशन में है तो हम उसे रोक भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे कि बल लगाने से, फोर्स लगाने से कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन पर फर्क पड़ता है। चलिए चलते हैं। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है। पर्टिकुलरली मैं इस एक्टिविटी में बता दूं क्या है टोटल, ये इमेज देखते रहो, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं कि इस एक्टिविटी में है क्या। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, एक टेबल है या जमीन फ्लोर जहां पर टाइल्स बिछी हुई हो, वहां पर क्या करो, एक बॉल लो, अपनी क्रिकेट बॉल लो और अपने हाथ से उसे थोड़ा सा धक्का दे दो और एक तरफ उसी बॉल के सामने अपना दूसरा हाथ लगा दो। अब तुम्हें देखना है क्या बॉल रुक जाता है तुम्हारे हाथ से लगने से। हाँ, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने वहां पर फोर्स अप्लाई किया। तुमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया, रोकने का फोर्स अप्लाई किया, है कि नहीं। और वहीं पर अगर तुम बॉल को थोड़ा सा तेज वहीं से और तेज कर दो तो बॉल की स्पीड चेंज हो जाएगी ना। यही इस एक्टिविटी में हमें पढ़ना था, मैंने आपको बता दिया। अ बॉल एट रेस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मैंने पहले भी बताया, अगर कोई बॉल रेस्ट पर है और अगर हमने उसे धक्का दे दिया या किसी चीज से मार दिया तो वो बॉल मोशन में आ जाएगा। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस। For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक example के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर football आप देखते होंगे तो उसमें एक penalty kick होता है जिसमें अकेला player अकेला गोल करता है, केवल गोल कीपर को रोकना होता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि अगर पेनाल्टी किक फुटबॉल में ली जाती है तो उसमें क्या होता है, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। प्लेयर अपने पैर से बल लगाता है उस गेंद पर, उस फुटबॉल पर, बिफोर बीइंग हिट, जब तक बॉल पर धक्का नहीं दिया जाता है पैर से। द बॉल वॉज एट रेस्ट, बॉल रेस्ट पर रहती है, एकदम एक जगह वहीं पर रह जाती है। सो इट्स स्पीड वॉज जीरो, और इसलिए हम कह सकते हैं इसकी जो स्पीड है उस समय वो जीरो है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल, और वहीं पर अगर प्लेयर ने अपने पैर से फुटबॉल को मार दिया तो जो बॉल है वो गोल की तरफ मूव कर जाएगी। जाएगी कि नहीं, ऐसा नॉर्मल सी बात है। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल, और मान लो अगर गोलकीपर उस बॉल को रोकने के लिए डाइव लगाता है या कूदता है, बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। अब जब वो कूदेगा उसके इस एक्शन से वो बॉल पर फोर्स लगाना चाहता है कि नहीं, अरे जब बॉल को रोकेगा तो फोर्स लगेगा, है कि नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम, अब जो उसके द्वारा फोर्स लगाया गया है
कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, वो या तो गेंद को रोक देगी या गेंद को किसी और तरफ में मोड़ देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड इफ द गोलकीपर सक्सेड, अब अगर गोलकीपर ने रोक लिया उस बॉल को या उस बॉल को डिफ्लेक्ट कर दिया किसी दूसरे डायरेक्शन में, गोल होने से बचा लिया, तब तो गोल बच जाएगा। लेकिन इफ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, अगर गोलकीपर किसी भी तरीके से फुटबॉल को पकड़ लेता है, स्टॉप कर लेता है, इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो, जो फुटबॉल की स्पीड है उसके हाथ में आने के बाद, गोलकीपर के हाथ में आने के बाद वो जीरो हो जाएगी। अब इन सारी चीजों से हमने क्या जाना वो हमने हाईलाइट करके लिख दिया है, ध्यान से पढ़िए इसको। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट स्पीड, हमने इस ऑब्जर्वेशन से, इस एक्टिविटी से हमने ये जाना कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है या घट जाती है। समझ गए? जैसे अगर कोई चीज रखी है, जैसे बॉल ही रखी है जमीन पर, उसको तुमने बैट से फोर्स लगा के मार दिया, बॉल मोशन में आ जाएगी कि नहीं, और अगर फील्डर ने रोक लिया तो बॉल रेस्ट में आ जाएगी, उसकी स्पीड वहां भी जीरो हो जाएगी और यहां पर तो इसकी स्पीड बढ़ ही रही है, तो वही यहां पर कहा गया है, ठीक है। If the force applied on an object is in the direction of its motion, अगर फोर्स हम उस डायरेक्शन में लगाएं, जैसे यहां पर एक है लड़का है, इसने क्या किया है, ये एक रिंग, साइकिल की रिंग को चला रहा है डंडे से, और अगर ये अपनी तरफ, मतलब जिस तरफ रिंग चल रहा है उस तरफ वो डंडे से मारता है, तब तो स्पीड तेज हो जाएगी, आपने बचपन में ऐसा किया ही होगा, और अगर वो आगे से आके रिंग को रोकना चाहता है तो रिंग की स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। वही यहां पर कहा गया है कि इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इस मोशन, अगर जिस दिशा में कोई भी चीज जा रही है उस दिशा में हम फोर्स लगाते हैं तो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, तो उस चीज की जो स्पीड होगी, गति होगी, वो तेज हो जाएगी। और इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अगर जिस दिशा में कोई भी चीज जा रही है उसके अपोजिट दिशा में हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसका जो स्पीड होगा डिक्रीज हो जाएगा, then it results in a decrease in the speed of the object, उस object की speed क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, घट जाएगी। अब यहां पर बूझो है, बूझो क्या कह रहा है, कह रहा है कि I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. I now understand why the speed of the tire increases when it is pushed. पहली ये बूझो बोल रहा है कि मैं बचपन में देखता था कि बच्चे क्या करते थे, इसकी तरह, ये जो रिंग चला रहा है ना, इसकी तरह रिंग चलाते थे। आज बूझो को पता चला है कि कैसे उस रिंग की स्पीड तेज हो जाती थी अगर उसको डंडे से मारा जाता था, तो आज हमने ये बूझो को बता दिया है। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। पहली इज अ क्यूरियस टू नो वेदर अप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहली ये जानना चाहती है कि क्या फोर्स लगाने से केवल स्पीड ही चेंज होता है कि कुछ और भी चेंज होता है। अब हम ये एक्टिविटी देखेंगे कि कैसे फोर्स लगाने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब इस पूरे एक्टिविटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिगर को देखो, मैं ध्यान से बता रहा हूं आपको कि एक्टिविटी में आपको करना क्या है। चलो अब यहां पर पहली फिगर में आप देख पा रहे हो, लड़के ने हाथ लगाया है और बॉल इधर से आ रही है, तो अगर बॉल इस तरफ से आएगी और हाथ में टकराएगी तो बॉल का दिशा चेंज होगा कि नहीं, दिशा चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि बॉल आ इधर से रही है और लगने के बाद वापस उसी दिशा में चली जाएगी, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं। दूसरा देख लेते हैं हम, यहां पर एक बॉल पे हम क्या लगते हैं, एक स्केल रख देते हैं और बॉल को इस साइड से हम फेंकते हैं, स्केल में लगने के बाद जो बॉल है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, दूसरी तरफ जाने लगेगा। अब हमने इस एक्टिविटी से ये जाना कि फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट का केवल स्पीड नहीं डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, वही यहां पर लिखा गया है। Let us consider some more example. कुछ और उदाहरण से हम समझते हैं। In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. अब यहाँ पर क्या होता है? Volleyball अगर हम खेलते हैं, तो जो players होते हैं, वो अपने team मेट्स में ही, अपने ही टीम के खिलाड़ियों के बीच में, अगर बॉल उस तरफ से आई है, तो इस तरफ
अपने दोस्तों को देते हैं कि तुम उसको पास करो, फिर तो बॉल दूसरे दिशा में भेजी जाती है ना। तो वही यहां पर कहा गया है कि समटाइम्स हम क्या कर देते हैं, मूविंग बॉल को पुश करते हैं एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के लिए, ताकि मेक अ विनिंग मूव, ताकि हम क्या कर सके, विनिंग मूव लगा सके, तेज से मार के उनका जो पॉइंट है वो कर सके। ठीक है, समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड, और कभी कभी क्या होता है, बॉल एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जानती है, मतलब इस टीममेट वाले ने इधर फेंका, फिर दूसरे वाले ने क्या किया, इस तरफ फेंक दिया, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इन क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन प्लेस हिज हर शॉट, बैट्समैन अपना शॉट मारता है, अपना फोर्स अप्लाई करता है बैट से बॉल पर। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या तुमने कभी देखा है कि जब बैट से बॉल को मारता है तो डायरेक्शन चेंज होता है कि नहीं। हाँ भाई, बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन चाहे तो लेग पर सिक्स मार दे, चाहे तो ऑफ पर सिक्स मार दे, चाहे तो स्ट्रेट सिक्स मार दे, डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं। बस यही कहा जा रहा है, इन ऑल दिस एग्जांपल्स, इन सारे उदाहरणों से द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज, बदल गया, डायरेक्शन भी बदल गया, स्पीड भी बदल गई ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने उस पर फोर्स लगाया। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड, क्या तुम कोई और भी उदाहरण दे सकते हो क्या, ऐसा डे टू डे लाइफ में ढूंढ लो भाई कि तुम किसी चीज पर बल लगाते हो, किस चीज की स्पीड तेज होती है, किस चीज की डायरेक्शन चेंज होती है, ऐसा ढूंढ लो, लिख दो, दो तीन कमेंट करो मुझे, देखता हूं मैं फिर। अब आगे देखो क्या होता है, ये हाईलाइट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है या उसका डायरेक्शन चेंज होता है, इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स, किसी भी तरीके का अगर हम बल लगाएं किसी चीज पर, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब किस अवस्था में है वो, रेस्ट में है तो बॉल मूव करने लगेगा, अगर हमने उसे मार दिया तो, मूव कर रहा है तो बॉल रुक जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम स्टेट ऑफ मोशन। तो इसका स्टेट ऑफ मोशन फोर्स लगाने से चेंज हो जाएगा। अब स्टेट ऑफ मोशन के बारे में यहां बताया गया है, स्टेट ऑफ मोशन पढ़ लो, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम स्टेट ऑफ मोशन को कैसे पता लगा सकते हैं, किसी भी चीज के स्पीड से और किसी भी चीज के डायरेक्शन से, कौन से डायरेक्शन में वो चीज जा रही है, मूव कर रही है। द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई भी चीज रेस्ट में है, कंसीडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो, उसे माना जाता है कि ये जीरो अवस्था में है, मतलब इसकी स्पीड क्या है, जीरो है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। कोई भी चीज अगर रेस्ट में हो या चलती रहे, दोनों केसेस में, दोनों अवस्थाओं में हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। अगर रेस्ट में है तो तब भी वो स्टेट ऑफ मोशन है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है तब भी वो स्टेट ऑफ मोशन में है। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या इसका केवल यही मतलब होता है कि हमेशा हम किसी चीज पर अगर फोर्स लगाएं तो क्या उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। मतलब यहां पर पूछ रहा है कि क्या ये चीजें हर केसेस में अप्लाई होती हैं, कि हम अगर किसी भी चीज को फोर्स लगा दिया हमने तो वो चीज मूव कर जाएगी। तो यही हम पढ़ते हैं, क्या ये हर केस में होता है, हाईलाइटेड पॉइंट में मैंने बताया है, ध्यान से सुनो। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज, कई बार फोर्स लगाने के बावजूद स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होता है। अगर कोई चीज रेस्ट है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है हमारी फोर्स से वो बॉडी हिलती डुलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझते हैं, अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एग्जर्ट। अब एक कोई भारी सा बक्सा है और उस पर तुम अपना फोर्स लगाए जा रहे हो, पूरी ताकत लगा दी है तुमने, लेकिन फिर भी वो बक्सा, वो बॉक्स इधर से
उधर नहीं हो रहा है। तो इस चीज से हमें यह पता चलता है, हमेशा फोर्स लगाने से कोई भी चीज में मूवमेंट नहीं आती है। अब तुम पहाड़ को धक्का दे रहे हो तो क्या पहाड़ हिल जाएगा क्या? नहीं ना। वही तो यहां पे कहा जा रहा है, अगेन दोबारा, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। अगर तुम किसी दीवार को भी धक्का देना चाहो तो कोई भी फोर्स उस दीवार पर नहीं लगेगा, क्योंकि ना वो दीवार मूव कर रहा है, ना वो दीवार कुछ भी, कोई भी ना हिल रहा है ना डुल रहा है, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बल लगाने से किसी भी चीज की आकार हम चेंज कर सकते हैं, शेप हम चेंज कर सकते हैं? ये एक्टिविटी 11.5 है, आप इसे कर लेना, बहुत आसान एक्टिविटी है, इसमें कुछ भी नहीं है। नीचे मैं बता देता हूँ इस एक्टिविटी से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इनफ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स। क्या होता है जब तुम अपने दोनों हाथों के बीच में एक इनफ्लेटेड बलून, एक फूले हुए गुब्बारे को दबाते हो, क्या होता है? गुब्बारा दबता है ना, उसका शेप तो चेंज होता है, वही यहां पर कहा जा रहा है। व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ अ बॉल ऑफ डो व्हेन इट इज रोल्ड टू मेक अ चपाती। अब क्या होता है, अब तुम्हारी मम्मी जब रोटी बनाती है तब कभी उनके पास जाओ, वो आटे का छोटा छोटा गोला गोला डो बनाती है, लोई बनाती है, फिर उसको जब हम बेलन से बेलते हैं तब उसका शेप चेंज होता है कि नहीं? पहले गोला होता है, बाद में वो गोली गोली चपाती बन जाती है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल। क्या होता है जब तुम किसी रबड़ की बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं ना, रबड़ की बॉल को तुम टेबल पर रख दो और उसको दबाओ, रबड़ की बॉल दबेगी कि नहीं? उसका शेप चेंज हो जाएगा। इन ऑल दीज एग्जांपल्स, इन सारे एग्जांपल्स में यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। इन सारे एग्जांपल्स में हमने ये देखा कि अगर हम किसी चीज में फोर्स लगाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट अ फोर्स। अब तुमने जब ऊपर सारी एक्टिविटी कर ली होगी तो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है? पहला, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। और अगर कोई चीज पहले से ही चल रही है तो हम उसकी स्पीड और भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कार वाला एग्जांपल लिया था, एक साइकिल की रिंग वाली एग्जांपल ली थी। अगर बच्चा साइकिल की रिंग चला रहा है और उस पर जब डंडे मारता है तो साइकिल की रिंग और भी तेज चलने लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे बैट्समैन शॉट मारता है ना, अब बॉलर बैट्समैन के पास बॉल फेंकता है और बैट्समैन लेग में सिक्स मारता है, ऑफ में सिक्स मारता है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? वही यहां पर कहा जा रहा है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाता है। जैसे हमने आटे वाली एग्जांपल में पढ़ा था ना, जब मम्मी रोटी बनाती है तो गोला गोला डो बनाती है, फिर उसको चपाती बनाती है, फोर्स लगाने से वो गोली गोली चपाती बन जाती है, ठीक है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। फोर्स लगाने से जितनी भी ऊपर चीजें हमने बताई, ठीक है, इनमें से कुछ चीजें हो सकती हैं और हो सकता है कुछ चीजें ना हो। जैसे हमने दीवार वाले एग्जांपल में लिया था, अगर तुम दीवार को धक्का दोगे, दीवार पे तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। टेबल 11.2, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। हमें इस टेबल में पढ़ना है कि फोर्स लगाने से किसी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में क्या फर्क पड़ता है। जैसे पहला दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, आपको कुछ सिचुएशन दी गई है और उन सिचुएशन में आपको फोर्स कैसे अप्लाई करना है, उसका डायग्राम दिया गया है, और अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या वो मोशन में आ जा रहा है, क्या उसका शेप चेंज हो रहा है। केवल यस और नो में आंसर देना है। जैसे पहला सिचुएशन में आपको करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आप कर लेना। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन में पहला वाला क्या है, अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, एक प्लेट में गुथा हुआ आटा रखा हुआ है। हाउ टू अप्लाई फोर्स, अब इस पर अप्लाई फोर्स कैसे करना है, हमें इसको हाथ से दबाना है, डायग्राम जैसे दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि क्या चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हुआ, क्या क्या आटा चलने लगा,
नो, ठीक है, चेंज इन शेप, क्या उसका शेप चेंज हुआ, यस, तो बस आपको यही यस और नो में आंसर करना है, बाकी आप अपने मन से कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। व्हाइल अ फोर्स मे कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विथआउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स। अब इतनी जो ऊपर सारी चीजें दी गई हैं, ये केवल और केवल फोर्स के ही इफेक्ट से होगा। अगर हम बल लगाएंगे तभी चीजें होंगी, मतलब आकार चेंज होगा कब, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उसका डायरेक्शन चेंज होगा कब, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, एक बात का ध्यान रखो, दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस, ऊपर दी गई कोई भी एक्शन अपने आप नहीं होगी विथआउट द एक्शन ऑफ फोर्स। जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी चीज अपने आप नहीं होगी। क्या रोटी अपने आप बन जाती है, क्या फोर्स लगाना पड़ता है? कोई चीज को अगर हम धक्का दे रहे हैं तो क्या अपने आप वो चली जाएगी, क्या नहीं, ना हमें धक्का देना पड़ेगा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाई इट्सेल्फ, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से नहीं चलेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इट्सेल्फ एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाय इट्सेल्फ, ना तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर पाएगा अपने आप से बिना फोर्स लगाए, ना तो उसका शेप चेंज हो पाएगा बिना फोर्स लगाए। चलिए आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। 11.6 कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो हम किसी चीज के कॉन्टैक्ट में आके लगाते हैं, जैसे किसी को थप्पड़ मार रहे हो, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि तुम उसके गाल को क्या कर रहे हो, कॉन्टैक्ट कर रहे हो, टच कर रहे हो। मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला फोर्स आता है मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, क्या तुम किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट, क्या तुम भरी बाल्टी को बिना छुए उठा सकते हो? नहीं ना, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। आमतौर पर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना है तो हमारी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपने भाई को थप्पड़ मारना है, फोर्स लगाना है, तब अपने हाथ को उसके गाल पे टच कराओगे तभी तो फोर्स लगेगा ना। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में कुछ दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप पढ़ लेना, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। आगे देखते हैं, द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और अ पीस ऑफ रोप, हम किसी भी चीज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम किसी डंडे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी डंडे से किसी चीज को मारते हैं तब भी तो हम कहते हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं, हम किसी रस्सी के टुकड़े से किसी चीज को मारते हैं या टच करते हैं तब भी तो हम कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। When we push an object like a school bag or like a bucket of water, where does the force come from? यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर हम स्कूल बैग को उठाते हैं या पुश करते हैं, ठीक है, या हम पानी के बाल्टी को उठाते हैं, तो ये फोर्स आता कहां से है? द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, ये फोर्स हमारे बॉडी में जो मसल्स है ना उनकी एक्शन की वजह से ये फोर्स हमारे अंदर में आता है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स, और जो फोर्स हमारे मसल्स के एक्शन की वजह से आए उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क, जानवर भी इस मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं ताकि वो अपना फिजिकल एक्टिविटी, मतलब चलना, दौड़ना, जंप करना, ये सब वो कर सके, इसलिए वो फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, कुछ जानवर होते हैं जैसे बैल हो गया, घोड़े हो गए, गधे हो गए, ऊंट हो गया, इन सब को इंसान अलग अलग कामों के लिए यूज करता है। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क, और इन काम को करने के लिए उन्हें अपना मस्कुलर फोर्स का यूज करना पड़ता है। इसलिए मस्कुलर फोर्स का मतलब हमने क्या जाना अब तक, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, हमने अब तक जाना मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई किया जा सकता है जब हम ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आए,
इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसीलिए इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहा जाता है। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज, क्या और भी कोई कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं क्या, चलो पता लगाते हैं। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारा फ्रिक्शन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।